आपके हार को प्यारे श्याम सुंदर गुथना चाहते हैं,
सखीना लज्जया कदा संगया, और कुंज भंग हुआ है, सखियां कुंज में प्रवेश करेंगी, हमारी इस स्थिति को देख करके हमें शर्म आएगा। तो इसलिए मां निर्देश से आप मुझको तुलसी मंजरी को आदेश देंगी कि तुलसी तुम हमारा श्रृंगार को बना दो, ऐसा इशारा आप हमें कब करेंगे? ये विलाप पुष्पांजलि मंजरी भावापन्न साधकों के लिए उत्कृष्ट ग्रंथ है। जिस साधक को गुरु जी ने जो सेवा दिया है, तो उस सेवा की परिपाटी सीखने की एक बहुत सुंदर ग्रंथ है विलाप पुष्पांजलि। प्रिया जी का अष्टजाम लीला चलता है, अष्टजाम सेवा, चौबीसों घंटा कुछ न कुछ लीला चलती रहती है, और उस लीला में मुख्य मंजरियां हैं। मंजरी और सखी के बिना ये लीला संपादन नहीं होता है, सखी बिना ये लीला पुष्टि नहीं हो, सखी विस्तारिया और सखी अस्वादा है। इस लीला का विस्तार सखियां करती हैं और सखियां ही इस लीला का आस्वादन करती हैं। प्रियालाल जो राधा माधव निवृत्त निकुंज में जो सेवा चलती है, तो वो सेवा सखियों के लिए ही चलती है। यहाँ तो संसारिक सुख है नहीं, केवल तत् सुखे सुखित्व, प्यारे श्याम सुंदर जो कुछ भी करते हैं प्रिया जी के लिए करते हैं, और प्रिया जी जो भी करती हैं श्याम सुंदर के लिए करती हैं, और प्रिया लाल दोनों मिलकर जो करते हैं सखियों के लिए करते हैं, सखियों के स्वादन के लिए, सखियों की संतुष्टि के लिए ही प्रिया लाल का ये वृंदावन में विहार चलता है। तो आज का जो विहार है वो कुंज भंग, प्रिया लाल जब निवृत्त कुंज में सुबह सुबह कुंज भंग का समय होता है, हे हरि सुनिय श्रवण भरि अवन विलासक बेरा। आचार्य चरण कहते हैं कि जब कुंज भंग का समय होता है तो प्यारे प्रियालाल दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो उस समय उनको डरवाया जाता है कक्कटी नामक बंदरी से। वो गीत गाती हैं कि हे हरि सुनिय श्रवण भरि अवन विलासक, अभिलाष का समय नहीं, गगन नक्षत्र सल छेहो अभिकत भी, आकाश में जो चंद्रमा था वो भी छिप गया, यहाँ तक कि सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा का तेज फीका पड़ गया है, कभी सभी नक्षत्र अपने अपने जगह चले गए हैं, आपके मुख का पान भी मलिन हो गया है, गांव से जो धेनु है वे भी जंगल की ओर चलने के लिए चल दिए हैं, अब आपका विलास का समय नहीं है, ऐसा कक्कटी नामक बंदरी प्रियालाल के कुंज में ऐसी आवाज करती कि अब लीला का अवसान कीजिए। तो उस समय लीला अंते सुखिहार जे अंग माधुरी, चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है लीला अवसान के बाद प्रिया जी के श्री अंग का जो माधुरी है तहा देखी सुखे आमी अपना पसाएगा, सखी मंजरिया उस रूप का दर्शन करके आनंदित होती आह्लादित होती, और खास करके उस समय सेवा है मंजरियों की, क्या सेवा है, तो प्रिया जी का वस्त्र अस्त व्यस्त हो गया है, अस्खलित कर चुकी है, सिंदूर लिप्त ललाट है, जो केस का ललाट है वो केस में जो सिंदूर है वो ललाट पर आ गया है, अधिखुली चोटी है, तो उस समय सबसे बड़ी सेवा है मंजरियों की। इस सेवा को प्यारे श्याम सुंदर ही करते हैं, लेकिन प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के अंग माधुरी को देखकर अपने आप को संभाल नहीं पाते, तो मंजरियां ये सेवा करती है, ये उत्कृष्ट सेवा है।
गीत गोविंद में तो लिखते हैं जयदेव पंडित की, प्रिया जी प्यारी श्याम सुंदर को ही आदेश देती हैं कि श्याम सुंदर तुम ये सेवा करो। कुरु जदुनंदन चंदन शिशिर तरेर करेण पयोधरे, मृगमद पत्रक मत्र मनोभव मंगल कलश सहोदरे। इस सेवा को आप कीजिए, लेकिन प्यारे श्याम सुंदर चाहते हुए भी उस सेवा को नहीं कर पाते हैं। उसी समय सखी मंजरियाँ, खास करके मंजरी तुलसी मंजरी, रूप मंजरी, अनंग मंजरी, ये आकर अपना सेवा संपादित करती है जिस रस में श्री गौरांग महापुरुष है। यही सुरतांत छवि का वर्णन प्राय सभी आचार्य किए हैं, स्वामी हरदास किए हैं, हित हरिवंश जी किए हैं, श्रील रूप गोस्वामी पाद तो बहुत ग्रंथ लिखे हैं, बिलाप पुष्पांजलि में है। यहाँ पर कहते हैं कि आस्वादन अब भी भंग नहीं हुआ है। स्वामी इंगित कर रही है तुलसी को, तुलसी मुक्ता माला टूट गई है, जल्दी गूथ करके पहना दो, क्योंकि देखिए परकिया रस है, उस समय बहुत डर है, सूर्योदय होने वाला है, जटिला आ सकती है, मर्यादित रूप में रहना है, तो उस समय ऐसा डर उत्पन्न कराया जाता है। प्रिया जी भी अपने आप को संभालती है। आस्वादन ये सभी शास्त्रों में जुगल माधुरी का किया गया है प्रिया लाल की, यहाँ तक कि प्रिया जी झटपट जब निकल करके कुंज से बाहर चलती हैं, पैसे आती हैं तो लटपटात एक दूसरे पर ऐसे लटपटात हुए कुंज से बाहर निकलती हैं। लटकत आवत कुंज भवनते ढूरी ढूरी परत राधिका पायन। प्रियालाल कुंज मंदिर से निकलते हैं एक दूसरे के गले में हाथ देकर, दोनों नहीं चाहते हैं बिछुड़न, दोनों एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं तो कर से कर गर से गर उलझे उलझ या हर्षाम जुगल के उलझन पै बलियाम। ये प्रियालाल का जो उलझन है वही श्री गौरांग महाप्रभु, ये जो गौर का विग्रह है, ये प्रियालाल दोनों एक ऐसे उलझ गए हैं कि अंतः कृष्ण बही गौर, भीतर तो प्यारे श्याम सुंदर है और बाहर श्री गौरांग राधा रानी। ये गौर महाप्रभु का यही गुण। कुंज भवन से जो निकलती हैं प्रिया जी, तो उनका यही स्वरूप है। सखी मंजरियां देख करके वैसे श्री रूप पर तृण तोड़ती हैं कि कहीं किसी का नजर न लग जाए। प्रियालाल निकल करके आते हैं, तो उस समय आते हैं तो उनका वस्त्र प्यारे से आप सुंदर प्रिया जी के नील वस्त्र ले लिए पता नहीं से, और प्रिया जी प्यारे से आप सुंदर की पीत वस्त्र, दोनों वस्त्र उल्टा हो गया है। इस की चर्चा राधा रस सुधा निधि में आचार्य चरण करते हैं। पीत प्रातः पीत पटम कदाप्यपनयम्। प्यारे श्याम सुंदर पीत वस्त्र धारण, अरे प्यारे श्याम सुंदर का पीत वस्त्र प्रिया जी धारण कर लिए। अन्यांशु कर यार पड़ा कुंजे विस्मृत कंचुकी मभिसमान नेतु प्रधावामिवा। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं जो ऐसा स्वसर मुझे कब प्राप्त होगा। प्रिया जी कुंज से बाहर आकर के कहेगी, अरे सरस्वती प्रबोधा तुम हमारा कंचुकी लाओ, हमारा वस्त्र छूट गया, हमारे गर्दन का हार छूट गया है, लेकर के आओ, इस रस का आस्वादन आचार्य चरण कर रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती। और प्रिया जी का जो वस्त्र है उल्टा पुलटा हो गया है, श्याम सुंदर का वस्त्र प्रिया जी ले लिए हैं, प्रिया जी का वस्त्र प्यारे श्याम सुंदर ले लिए हैं। प्रातः पीत पटम कदा व्यपनयम्। हे नागरी अन्यम सुकार श्यार पड़ा है, प्यारे श्याम सुंदर की स्थिति से प्रातः पीत पटम कदा व्यपनया, कब आपके वस्त्र को लेकर प्यारे श्याम सुंदर को दे दूंगी, श्याम सुंदर के वस्त्र को आप जो उल्टा हो गया उसको कब मैं सीधा करूंगी। ये आचार्य चरण कर रहे हैं। कदा प्रातः पीत पटम कदा व्यपनया, वाह
कुंजे स्थितम कंचुकी मपि समान नौतम। आप कहेंगे कि हमारी कंचुकी छूट गया है जाकर के लाओ, तो कबरी कदा आपकी जो केस खुल गया है उसको कब मैं बांधूंगी, अगलिताम आपका छूटा हुआ जो तिलक है उस तिलक को कब मैं लगाऊंगी, नेत्रे अंजनी आपके जो आँख का काजल मिट गया है उसको कब मैं लगाऊंगी, वह तब अंग्र भ्रण प्यारे श्याम सुंदर के द्वारा प्रिया जी के श्री अंग पर जो नक्षत हुआ है उसको कदा रंगश्च पिबधाम। रंग के द्वारा उस नक्षत्र दंतक्षत्र जो लग गया है उसको कब मैं मिटाऊंगी। इस प्रकार आचार चरण इस रस में नित्य निरंतर विभोर रहते हैं। यहाँ तक कि श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में भी इस रस का चर्चा किए हैं, तत्रा भी सुषुभेता भी भगवान देव की सुता। श्याम सुंदर हमेशा सुंदर है लेकिन प्रिया जी के साथ आते ही उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। श्री कृष्ण की सुंदरता कब बढ़ती है, जब प्रिया जी के साथ आते हैं। रामचरितमानस में वाल्मीकि रामायण में लिखा गया ऐसे राम, साधारण राम जब किशोरी जी आती हैं तो वर हो जाते हैं, वर मतलब श्रेष्ठ सीता वर। उसी तरह ऐसे प्यारे श्याम सुंदर को कौन पूछता है, गैया के पीछे हियो हियो करते हैं तो करते हैं उनके जो काम क्या। लेकिन जब प्रिया जी के साथ जब आते हैं तो प्यारे श्याम सुंदर की महिमा बढ़ जाती है, ब्रह्मादि के लिए दुर्लभ गति हो जाता है। जम ब्रह्म रुद्र सुकनारद भीष्म मुख्य रालक्षितोन सहसा पुरुषस्य तस्य, ऐसा हो जाते हैं क्योंकि प्रिया जी सबके लिए तो सुलभ नहीं है। और प्यारे श्याम सुंदर जब प्रिया जी के सानिध्य में आते हैं तो श्याम सुंदर भी दुर्लभ हो जाते हैं। अब गोप बालक भी उस निवृत्त निकुंज में प्रवेश नहीं है, ये जो कुंज है निकुंज है निवृत्त निकुंज है, तो कुंज तक तो सखियों का प्रवेश, निकुंज में मंजरिया इत्यादि, निवृत्त निकुंज में तो प्रियालाल के अतिरिक्त कोई नहीं है, तो श्याम सुंदर की दुर्लभता हो जाती है। यहाँ पर आचार्य चरण ने विशाखा नंद स्त्रोत में प्रिया जी के रूपों का वर्णन किया है, कहते हैं कि श्याम सुंदर कब कैसी स्थिति इनकी आ जाती है। प्रेम सरोवर में श्री कृष्ण उत्फुल्ल कमल है, श्याम सुंदर क्या है, कमल है, कमल के पुष्प है सरोवर में। प्रिया जी क्या है, तो उनकी अरुणिमा, कमल में जैसे लालिमा न हो तो कमल की कोई महत्व नहीं, तो प्रिया जी उसकी अरुणिमा है। श्री कृष्ण का हृदय कुमुद है तो प्रिया जी उसका चंद्र है, चंद्रमा के बिना कुमुदनी प्रकाशित नहीं होता। श्री कृष्ण का राजहंस है तो प्रिया जी सूर्य। इस प्रकार आचार्य चरण ने गोपिंदानंद राजीव भान वृषभान नंदनी कृष्ण हृत कुमदोला से सुधा कर करिष्यति कृष्ण मंजुल तापिस्त। ब्रज में गाते हैं ना राधा रानी चकोर हैं, तो प्यारे श्याम सुंदर श्याम राधा रानी चंदा हैं तो चकोर प्यारे श्याम सुंदर हैं, ये पूरा आय जीति जश्लोक विशाखानंद ग्रंथ से लिया गया है। प्रिया वर्षा ऋतु में श्री कृष्ण जलधारा हैं तो राधा रानी मल्हार राग। इस प्रकार इस विश्व में जो भी सुंदर है जो भी मधुर है जो भी प्रेम से संबंध है प्राणों से जुटा है जो कामनाओं की वस्तु है वह प्यारे श्याम सुंदर और प्रिया जी। राधा माधव की पारस्परिक जो संबंध है उत्कृष्ट जो संबंध है वही जुगल सरकार है, यही कहते हैं ललिता कवि मोर विजन देवा। और उस समय प्रियालाल जब निवृत्त निकुंज में रहते हैं तो कब मेरी ऐसी सौभाग्य होती कि मैं उनकी सेवा कर पाऊं, तो उस समय की सेवा है गुरु की कृपा से साधकों को प्राप्त होता है। अब उस समय गुरु जी देते हैं कि तुम्हारा विजन सेवा है, तुम्हारा हार सेवा है, किसी का पुष्प सेवा है,
तो ललिता कब मोरे बिजन देव बिजन मारुत मंदे। अब मैं ललिता के आदेश से प्रिया जी के उस माधव राधा माधव के वृत्त निकुंज में जाकर बिजन सेवा करूंगी। श्रम जल सकल मिटव दुह कलेवर। प्रियालाल के शरीर में जो श्रमजल है, पसीना है, उसको मैं कब हवा द्वारा पंखा बीजन करके उसको सिखाऊंगी और प्रिया जी के उस रूप माधुरी का हम दर्शन करेंगे। अब देखिए इस रस को विद्यापति जी वर्णन करते हैं। विद्यापति जी कौन है? ललिता सखी है। अजय देव जी कौन है? विद्यापति जी ललिता जी। चंडीदास, चंडीदास सुबोध सखा। सुबोध सखा को पता था कि विरह में कितना पीड़ा होता है। जब राधा रानी श्री कृष्ण के लिए विरह में जलने लगती थी और प्यारे श्याम सुंदर भी तड़प जाते थे, तो उस समय सुबोध सखा काम करते। सुबोध सखा जाते थे जावट में और जा करके राधा रानी बनकर साड़ी पहन करके वहां छिप जाते हैं। राधा रानी को अपना भेष दे देते, पुरुष का ग्वाला का भेष दे देते थे और राधा रानी को ग्वाला का भेष पहन करके और गैया चराने के बहाने गोच चले जाते। तो इनको पता था, सुबोध को पता था कि विरह में कितना कष्ट है, इसीलिए सुबोध सखा चंडीदास आकर चंडीदास बन करके उस रस का स्वादन किए। विरह का चंडीदास जी का सबसे अधिक पद है अभिसार, क्योंकि अभिसार का काम कराते। तो ये तीन महापुरुष हैं, जयदेव जी कौन, स्वयं प्रियतम राधा कृष्ण जयदेव जी जगन्नाथ जी, और चंडीदास कौन है? सुबोध सखा। ललिता सखी, अरे विद्यापति जी ललिता सखी। अब देखिए ललिता सखी प्रिया जी कुंज से निकलती हैं तो कहती हैं, विद्यापति जी का पद कहते हैं, देखिए कुंज भंग की लीला है। सामरिहे झामर तोर देह। हे सामरी, संस्कृत साहित्य में सांवली उसको कहते हैं जो षोडश वर्षीय, जो गर्मी में ठंडा रहे और ठंडा में जो गर्म रहे, उस स्त्री का नाम है सामरी। साहित्य दर्पण में लिखा गया सामरी है झामर तोर देह। हे प्रिया जी, आप तो नित्य नूतन चमकते हुए चंद्रमा के सौंदर्य को भी फीका करने वाली हैं, आप इस समय क्यों झामर पड़ गई हैं? सामरी है झामर तोर देह, जरूर कुछ कारण होगा। कह कह कासो लावल ने, तुम सत्य सत्य बताओ तुम उससे प्रेम कर बैठे जिसके कारण तुम्हारा सुंदर शरीर कुंभला गया है। ये कुंज भंग से, कुंज से जब निकलती है प्रिया, निंद भरल अछि लोचन तोर, अमिये भर में जने लुब्ध चकोर। तुम्हारे नेत्र देखने से लगता है कि तुम रात भर सोई नहीं। नींद भरल अछि लोचन तोर, तुम्हारे आंख में नींद भरा हुआ है। ऐसे ही जैसे अमिया भर में जने लुब्ध चकोर, जैसे चंद्रमा के लिए चकोर रात भर देखता रह गया, ऐसे तुम्हारी नेत्र भंडार। तुम्हारा जो लाल लाल बिंबा फल के समान ओठ था वो क्या हो गया है? लगता है नीरस हो गया। नीरस धूसर कर वधर पवार, कमन कुबुद्धि लुटो मदन भंडार। कौन कुबुद्धि ने इस रस को लूट लिया है? कौन कुमति कुछ नख खत देल, हा हा संभो भगन भय
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। कौन कुमति कुच नख खत देल कलश शंभु के समान शिवलिंग के समान है और उस पर नख छत लगा है वैसा ही लगा है कि कौन कुबुद्धि ने इस शिवलिंग को भंग कर दिया है तोड़ दिया है। दमन लता सम तनु सुकुमार, हे प्रियाजू आपका जो श्रीअंग है ये कैसा है? दमन चमकती हुई बिजली की लता के समान। दमन लता सम तनु सुकुमार फूटल बलय टूटल गी महार, तुम्हारा बलय टूट गया है और गी महार गर्दन का जो हार है वो भी टूट गया है। उस समय सखी मंदिरियों की सेवा है। खेस कुसुम झड़ो सिर सिंदूर, केस में जो कुसुम पुष्प है और जो सिंदूर है वो सब गिर गया है। अलक तिलक है सेह गेल दूर, आपका जो तिलक है कस्तूरी का जो तिलक लगाती है वो भी दूर चल गया है। धनई विद्यापति रति अवसान राजा शिव सिंह ईरस जान, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बिहारस तुटितम हारम, प्रियालाल के दिव्य बिहार में जो गला का हार टूट गया है। गुंफितम दैतम तदा, कब है प्रिया जी आप आदेश देंगे कि हमारे हार को तुम भनक बना दो? हार जो टूट गया है वही यहाँ पर आचार्य चरण विद्यापति जी कहते हैं। केस कुसुम झड़ो सिर सिंदूर अलक तिलक है सेहो गेल दूर, दमन लता सम तनु सुकुमार फूटल बलय टूटल गी महार। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। रसिक महापुरुषों के पास यही सत्संग हमेशा चलता है। रसिक महापुरुष जितने कौन रसिक है? हितरवंश जी, स्वामी हरदास जी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जितने भी आचार्य महापुरुष। देखिए आप एक पद और है, हर एक बहुत कड़ा पद है लेकिन इसके लिए केवल एक ही आधार है। क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम
संसार का दुख नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है ना, पता है कि नहीं? नहीं पता। बाबा हमारे पास आए हैं सीतानाथ बाबा, उनको थोड़ा सा कष्ट है, जंगल में बहुत दिन है, तो थोड़ा सा तो मैं देखा क्या बैठ कर ऐसे कर रहे हम कहा, तो मैंने कहा धीरे धीरे पहले वो नाम रट, अब जोर जोर से नाम रट, मैंने कहा जोर जोर से क्यों लेते हैं, जोर जोर लेने से जो तकलीफ हमको नहीं हो, जब तकलीफ जो सांस में होता है वो नहीं हो रहा है। ये नाम संकीर्तन है, बड़ा काम की चीज है, रोटी दाल भी दे देता है, शरीर का रोग भी ठीक कर देता है। ये तो साधारण प्रियालाल की दिन प्रेम खेली में प्रवेश कर इतना बड़ा काम। नाम के आ कोई ऐसी वस्तु नहीं जो ना दे, सब काम में लग जाता है, जितना कष्ट है दुख है उसको भी दूर कर देता है। और जिस रस की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें अनधिकारी व्यक्ति को भी अधिकारी बना देता है, इतना ताकत है इस नाम, इतना सुंदर चीज है। लेकिन हम लोग कितने अभागे हैं कि वो नाम लेने का मन नहीं करते, नाम लेते हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बिहारे स्तुतितम हारम गुम्फितम दैतम कदा, श्री रघुनाथ दास को स्मरण करते हैं। प्रियालाल के बिहार में जो गले का हार टूट गया है वो तो प्रिया जी कब हमको आदेश देखेगी देंगी उसको तू गुथ दे। सखीना लज्जा देवी संज्ञा मान निदेश, सखियां जब देखेंगी हार टूटा हुआ है तो हमारा बड़ा भारी उपहास करेंगी। मंजरियां ही एक ऐसी हैं कि जिनसे प्रिया जी थोड़ा भी संकुचित नहीं होते, थोड़ा सा भी संकोच नहीं होते, तो प्रिया जी करती है। अब उस समय सखियां देखती हैं बहुत देर हो रहा है, प्यारे श्याम सुंदर उस काम में पूर्ण काम नहीं कर पा रहे हैं, तो सखियां प्रवेश करके प्रिया जी को अब उपहास करते हैं। उस उपहास में कितना आनंद आता है, उपहास में देखिए, क्योंकि ये तो संसारिक बात है नहीं, वो तो दिव्य राज की बात है। ललता विद्यापति जी कहते आज विपरीत धन देखी है तो हे प्यारे जी, आज मैं आपको उल्टा पुल्टा देख रही हूँ, क्या बात है, विपरीत स्थिति। विपरीत स्थिति माने प्रिया जी का जो मुखमंडल चांद के समान चमकता हुआ, चांद के समान तो ऐसे ही कह देते हैं, चंद्रमा में इतनी कहाँ ताकत जो प्रिया जी के रूप की तुलना कर सके। लेकिन हम लोग चंद्रमा को ही देखते हैं और किसी को